साथियों, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंटर में है। हमारे यहां करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है। ये छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है। इसलिए भारत का मॉडल कई देशों के काम आ सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग का, भारत में हम बड़े पैमाने पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहां राइस की कुछ वैरायटीज ऐसी भी है जिनको ट्रेडिशनल वैरायटीज के मुकाबले 25% कम पानी चाहिए। हाल के वर्षों में हमारे यहां ब्लैक राइस सुपर फूड के रूप में उभरा है। हमारे यहां मणिपुर, असम और मेघालय की ब्लैक राइस को इसकी मेडिसिनल वैल्यू के कारण पसंद किया जा रहा है। बारंदन से जुड़े अनुभव विश्व समुदाय के साथ शेयर करने के लिए उतना ही उत्सुक है। फ्रेंड्स, आज के समय में पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही न्यूट्रिशन भी एक बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन भी भारत के पास है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है। ये मिनिमम वाटर मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं। भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। साथ ही भारत की पहल पर पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया है। फ्रेंड्स, बीते एक दशक में हमने फार्मिंग को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।